नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद एवं आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले सावधान, पालघर पुलिस दर्ज करेगी FIR, होगी जेल। अक्सर जाने अनजाने कई लोग सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा पोस्ट कर देते हैं जिससे दो समुदाय के बीच धार्मिक उन्माद की स्थिति पैदा हो जाती है, क्षेत्र में तनाव फैल जाता है। कई आपत्तिजनक कंटेंट सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की वजह से क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, जिस कारण बहुत कुछ अप्रत्याशित घटित हो जाता है, कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है। पुलिस प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब आगे इस तरह की परिस्थिति पैदा नहीं हो इसलिए पालघर जिला पुलिस लगातार जागरूकता फैला रही है। इसी कड़ी में पालघर पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कुछ अहम पोस्टर जारी करते हुए सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद पैदा करने वाली पोस्ट डालने एवं आपत्तिजनक कंटेंट डालने वाले लोगों को चेताया है। ऐसे दो समुदाय में तनाव फैलाने जैसी पोस्ट करने वाले लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर उनको जेल भेजने की चेतावनी भी जारी की है। ज्ञात हो कई बार कुछ असामाजिक तत्व जिनका मकसद समाज में द्वेष फैलाने का होता है, वह लोग ऐसी वैसी पोस्ट सोशल मीडिया पर करते हैं और हम आम लोग उनके जाल में फंसकर उनकी पोस्ट को बिना सोचे समझे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं या तो उनके समर्थन में कमेंट करते हैं, जिस कारण और अधिक तनावपूर्ण स्थिति का निर्माण हो जाता है। जिन्हें रोकने और समाज को तनाव मुक्त करने पालघर जिला पुलिस द्वारा विशेष मुहिम चलाई जा रही है और साथ ही साथ पालघर जिला पुलिस ऐसी पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। अभी हाल ही में ऐसे ही आक्षेप वाली पोस्ट करने के आरोप में पालघर पुलिस ने पालघर जिले अंतर्गत 3 अलग अलग जगहों पर गुनाह दर्ज करते हुए संबंधित गुनाह के आरोपियों की धरपकड़ की है, जिसकी जानकारी खुद पालघर पुलिस अधीक्षक बाला साहेब पाटिल ने एक वीडियो बयान जारी करते हुए दी है। पुलिस अधीक्षक ने अपने वीडियो संदेश में और भी कई अहम बिंदुओं का जिक्र किया है, उन सभी बिंदुओं को सुनने हेतु वीडियो में आगे देखिए पालघर पुलिस अधीक्षक का बयान। अभी के लिए इतना ही। इस पोस्ट के बारे में अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। सोशल मीडियाचा वापर करून सामाजिक अशांतता निर्माण करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध पालघर पोलिसांनी सध्या मोहीम सुरू केलेली आहे। IPC 153, IPC 153 295 याच्या अंतर्गत त्याचप्रमाणे IPC 505 याप्रमाणे कारवाई सध्या सुरू आहे। यामध्ये दोन गटांमध्ये, दोन आंशिक गटांमध्ये, धार्मिक गटांमध्ये एकमेकांच्यामध्ये वादविवाद निर्माण होतील अशा प्रकारचा कोणताही आक्षेपार्ह मेसेज जर तुम्ही क्रिएट केला, पोस्ट केला, फॉरवर्ड केला, लाईक केला, तर या बाबतीमध्ये गुन्हे दाखल होत आहेत। याच्यामध्ये 1 वर्ष ते 3 वर्षापर्यंत सश्रम कारावासाची शिक्षा आहे, त्याचप्रमाणे द्रव्य दंडाची सुद्धा शिक्षा आहे। त्यामुळे सर्वांनी आपण स्वतः गुन्हेगार होण्यापासून रोखावं आणि सोशल मीडियाचा सुयोग्य वापर करावा। धन्यवाद। सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह मेसेज फॉरवर्ड करणारे, क्रिएट करणारे या बाबतीमध्ये 3 ठिकाणी गुन्हे दाखल झालेले आहेत। व्हॉट्सअप, मनोर, सापपाटी या ठिकाणी संबंधित गुन्हेगारावर गुन्हे दाखल करून 3 वर्षाचे सश्रम कारावास असणारे गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत। आणि या बाबतीमध्ये ज्यांनी ती लिंक फॉरवर्ड केली किंवा ज्यांनी ती लाईक केले यांचा सध्या शोध सुरू आहे। आपल्याला या निमित्ताने आवाहन करण्यात येत आहे की अशा प्रकारचे कोणतेही आक्षेपार्ह मेसेज फॉरवर्ड करू नये, क्रिएट करू नये, लाईक करू नये। सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट टाकल्यामुळे पालघर जिल्ह्यामध्ये 3 ठिकाणी गुन्हे दाखल झालेले आहेत। ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल होतात त्या लोकांना सरकारी नोकरीमध्ये, खाजगी नोकरीमध्ये, त्याचप्रमाणे पासपोर्ट मिळण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची NOC मिळत नाही, चारित्र्य पडताळणीमध्ये त्यांना कुठलेही क्लिअरन्स मिळत नाही, त्यांच्या करिअरमध्ये खूप मोठ्या स्वरूपात अडचणी येतात। कृपया स्वतःला गुन्हेगार होण्यापासून रोका, सामाजिक अशांतता निर्माण हुई अशी कोणतेही मेसेज टाकू नका। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।